दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है मामला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर है। मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरे प्रदेश पर जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन इस चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में जो भर्ती परीक्षाएं पहले संपन्न हो गई हैं, वह भी अब फंसती नज़र आ रही हैं। उन परीक्षाओं को भी अब मध्य प्रदेश में हो रहे चुनाव के बाद संपन्न कराने की रणनीति जो PESB है, यानी मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, उसने बना लिया है। जैसा कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के रिजल्ट आए लंबे समय हो गए, चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया। अब चयन परीक्षा वर्ग दो की चुनाव के बाद ही संपन्न कराई जाएगी। कंप्लीट अपडेट, बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है मामला मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। होने वाली आगामी समय में जो भर्तियां हैं वह प्रभावित हो रही हैं और आगामी समय में ये भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी। मध्य प्रदेश में चुनाव तक मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी दिसंबर तक मुश्किल है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जो अपडेट है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को लेकर जो लंबे समय से आस लगाए हुए हैं, उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेटों का यहाँ पर सीधी तौर पर इंतजार और बढ़ेगा। तो माध्यमिक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों के जो 8,500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जबकि पात्रता परीक्षा का रिजल्ट बहुत पहले ही आ चुका है। पूरा अपडेट आपको यहां पर बताएंगे, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। भोपाल से है, प्रदेश भर में 1,00,000 भर्तियों की बाट जो रहे बेरोजगारों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि दिसंबर तक प्रदेश में अब कोई भी बड़ी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। वहीं इधर पटवारी परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। वहीं घोटाले के आरोप लगने के बाद इसे होल्ड पर रखा गया है। वहीं आपको बता दें, इसी तरह प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती और माध्यमिक शिक्षकों की जो कंबाइनेड एग्जाम हुआ था, उस परीक्षा में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन अब तक नहीं जारी किया गया है। यदि सीधी तौर पर एक चयन परीक्षा हो जानी चाहिए थी, वह पात्रता परीक्षा के रिजल्ट आने के कई महीनों के बाद भी संपन्न नहीं हो पाई है। वहीं इधर PSC की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा की तारीख भी तय नहीं हो सकी है। वहीं इसके आवेदन में अगर कोई त्रुटि सुधार करवाना है तो उसकी तारीख 2 नवंबर निर्धारित की गई है। इस दौरान चुनाव होना भी प्रस्तावित है। वहीं इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी संपन्न कराए जाएंगे, जो कि पूरे देश में होंगे। वहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी जो वर्ग दो कैटेगरी के श्रेणी के शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक जिनको कहेंगे, उसी के साथ गायन वादन खेल कूद के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी पात्रता परीक्षा के रूप में कराई गई थी। तो यहाँ पर देखिए, स्पष्ट तौर पर जब उम्मीदवारों को अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा, 1.5 महीने से पहले यहाँ पर ज़्यादा समय हो चुका है। पात्रता परीक्षा का जो रिजल्ट आए हुए वर्ग दो यानी माध्यमिक स्कूलों का शिक्षक और प्राइमरी स्कूल के गायन वादन खेल कूद के शिक्षकों के पात्रता परीक्षा का, मैं आपको बता दें, स्कूल शिक्षा में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के 8,454 पदों पर भर्ती किया जाना है। इसके लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी PESB द्वारा 2 अलग-अलग चयन परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, जिनके नोटिफिकेशन जुलाई अंतिम सप्ताह तक जारी होने थे। यानी पात्रता परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद जो चयन परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा होती है, उसका यहाँ पर जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो है अगस्त खत्म हो रहा है और तो इसमें माध्यमिक शिक्षक की 6,000 जो 6 विषयों में है 6,332 पद यहां पर रहेंगे वर्ग दो श्रेणी के जो शिक्षक हैं, और लेकिन अब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वहीं इसका मुख्य वजह पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी आना है। दूसरा नोटिफिकेशन 2122 पदों पर खेल नृत्य और गान वादन के माध्यमिक और जो है प्राथमिक शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए जारी होना था, लेकिन अब यह अब तक नहीं हुआ है। इस तरह से 8,500 ज़्यादा पदों का मामला अधर में लटका हुआ है। अब सितंबर का महीने में यहां पर अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो केवल फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। यानी अब चुनाव के बाद ही यह जो शिक्षकों की भर्ती है माध्यमिक और जो प्राथमिक की, वह संपन्न हो पाएगी।
वहीं आपको बता दें 1 लाख से ज्यादा पद मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में खाली हैं। अगर उच्च शिक्षा की बात करेंगे वहां पर 4000 वैकेंसियां अभी खाली हैं। स्कूल शिक्षा में ही शिक्षकों के अलग अलग वर्गों के 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा में 4000 से ज्यादा पद खाली हैं। जनजाति कार्य और कृषि विभाग में 3000 पद रिक्त है। आप सोच सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर पद रिक्त हैं। वहीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने यह भी बताया है कि 15 अगस्त तक 1 लाख नियुक्तियों की किया जाना है, लेकिन अब तक जो है करीब 60,000 नियुक्तियां ही हुई हैं। यानी 15 अगस्त भी हो गया यहां पर, आज अब अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर अब शुरू हो रहा है और अभी तक जो है टारगेट 1 लाख का पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में अब विभिन्न विभागों में 40,000 पद खाली हैं। खासकर स्कूल शिक्षा विभाग की बात करेंगे, पशुपालन विभाग की बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पद अब तक भरे नहीं गए हैं और ये भरे भी नहीं जाएंगे, अब चुनाव के बाद ही ये होगा। वहीं एक बड़ी भर्ती परीक्षा ESI की जो भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, वो पिछले 5 साल से अब तक नहीं संपन्न हुई मध्य प्रदेश में। 5 साल बाद भी नहीं निकली है। आखिर 2017 में आखिरी बार हुई थी, 2017 से 2023 का आंकड़ा देखेंगे तो 5 साल यहाँ पर हो गए, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया और नवंबर के महीने में चुनाव है, चुनाव 2-3 चरणों में होगा। रिजल्ट फाइनली जो है यहाँ पर दिसंबर में आके फाइनली जो जनवरी में सरकार बनेगी तो उसके बाद ही नया वैकेंसी आएगा। वहीं आपको बता दें वर्तमान में आरक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है, यह 12 सितंबर तक चलेगी। आरक्षक भर्ती की अगर हम बात करेंगे जिनके एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हुए हैं, वहीं उम्मीदवारों को पुलिस ESI परीक्षा का बीते 5 साल से इंतजार है लेकिन भर्ती नहीं आ सकी है। वहीं आगे की परीक्षाओं के लिए कोई शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है और आगे अगली बड़ी भर्ती परीक्षाएं कब होंगी अब तक यह तय नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पर बता दें विधानसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वह लागू होने के बाद केवल पूर्व प्रस्तावित परीक्षाओं का ही शेड्यूल जारी हो सकता है। जो परीक्षाएं पहले से प्रस्तावित हों उनका केवल शेड्यूल जारी होगा, उस दौरान कोई परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। तो यहां पर देखिए अगर MP TET वर्ग 2 और साथ ही जो उसी के साथ कंबाइन रूप से प्राथमिक का भर्ती का पात्रता परीक्षा संपन्न हुआ है वह भर्ती यहाँ पर कंडक्ट हो सकती है, लेकिन एग्जाम चुनाव के बाद ही होंगे क्योंकि अभी केवल उसका नोटिफिकेशन दे सकते हैं आचार संहिता के पहले। 1 महीने में भर्ती का एग्जाम नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें अलग अलग विषयों के माध्यम से परीक्षा होती है और कैंडिडेटों की संख्या भी कई लाखों में है, तो यहाँ पर मामला गड़बड़ होगा इस भर्ती परीक्षा में जो चयन परीक्षा है उसको संपन्न कराने में। बाकी यहाँ पर देखिए जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं उस पर अब संकट है और जो प्रोफेसर की भर्ती है उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें भी अब दिक्कत समझ में आ रही है कैंडिडेटों को। हालांकि यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट भर्ती थी जो चल रही है वर्ग 1 का जो चयन परीक्षा है वो संपन्न हो चुका है उच्च माध्यमिक शिक्षकों का, अब फाइनली उसका जो चयन है वह चुनाव के बाद ही होगा। अभी उसका रिजल्ट आएगा, अभी उसका रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग वगैरह होंगी क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी और इस आचार संहिता के पहले जो है जो भर्तियाँ प्रस्तावित हो जाएंगी वही चुनाव के बाद संपन्न कराई जा सकती हैं। जो पूरी उम्मीद जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे लेटेस्ट और इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेटों को लेकर नए वीडियो पर। धन्यवाद।